ना सब हाफिज थे, आलिम थे, कारी थे, अरे और माशाल्लाह, पायलट थे। उनका अरे वाह, खुद अच्छा का एक प्लेन था, ये खुद उड़ाया करते खुद थे। का प्लेन भी था खुद का उनका। प्लेन था उनका। ओके मस्जिद जो है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में है, अच्छा, क्योंकि इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद है कि ऐसी मस्जिद है जिसको फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है। हिंदुस्तान में और कोई मस्जिद फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन जी की, जी फिर सूफिया मस्जिद डिजाइन की। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे वेरी वेरी वेलकम है। जी लीजिए दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। आज हम आए हैं सूफिया मस्जिद में। जो सूफिया मस्जिद है वो हमारे जो भोपाल के आखिरी नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला खां, ये उनके द्वारा बनाई गई थी। तो आज हम अपनी सूफिया मस्जिद के बारे में पूरी जितनी भी हिस्ट्री है वो जानेंगे और आपको सूफिया मस्जिद का सब एक एक कोना घुमाएंगे। ये कब बनी थी, कैसे बनी थी, नवाब हमीदुल्ला खान ने इसको कब बनवाया था, तो ये सारी बातें हम जानते हैं। चलिए घूमते हैं सूफिया मस्जिद और इसकी हिस्ट्री मालूम करते हैं। हमारे सुमेर भाई हैं जो पूरी सूफिया मस्जिद को देखते हैं, इन्हीं के अंडर में पूरा सूफिया मस्जिद का कार्य रहता है। तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इनसे मुलाकात हो गई हमारी, तो हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। तो आइए अपन मिलते हैं सुमेर भाई से। अस्सलाम वालेकुम सुमेर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारी एक खुशकिस्मती कि आप मिल गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सुमेर भाई, ये सूफिया मस्जिद पे मैं पहले भी व्लॉग बना चुका हूँ और आप भी आ चुके हैं माशाल्लाह उसमें, तो मैंने कहा आज क्यों ना अपन पूरी हिस्ट्री के बारे में, अपन सूफिया मस्जिद के बारे में हम जानकारी लें। और हिस्ट्री तो माशाल्लाह पूरी आप बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता हमें, तो कुछ बताइए हमारी सूफिया मस्जिद के बारे में। सूफिया मस्जिद का तामीरी काम जो है वो मुकम्मल हुआ था 1930 के अंदर, क्योंकि 1926 के अंदर नवाब साहब जिस वक्त गद्दी पे बैठे, सरकार सुल्तान जहाँ बेगम नवाब साहब की वालदा ही होती, उन्होंने अपनी हयाती के अंदर नवाब साहब को 1926 के अंदर भोपाल रियासत सौंप दी। अच्छा, भोपाल रियासत सौंपने के बाद जब नवाब साहब ने कुछ तामीरी काम यहाँ शुरू करा, जब वो नवाब बने भोपाल के, जो तामीरी काम शुरू करा, तो उसमें सबसे पहला काम जो था अपना महल जो बनवाया, जिसमें आज सैफिया कॉलेज वाक़ है, सैफिया कॉलेज, जी जी कॉलेज वाक़ है, जिसके अंदर जी। वो महल नवाब साहब ने अपने लिए बनवाया था, और इस पूरे महल की उसी तामीर के साथ सूफिया मस्जिद की तामीर करी थी। अच्छा, जो 1930 के अंदर बन के तैयार हो गई। अच्छा, तो 1930 में माशाल्लाह तामीर हुई हमारी सूफिया मस्जिद की। 1930 के अंदर तामीर करी थी, और इस मस्जिद की एक खसूसियत ये है कि मस्जिद जो है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में है, अच्छा, क्योंकि इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद है कि ऐसी मस्जिद है जिसको फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है। हिंदुस्तान में और कोई मस्जिद फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन जी जी फिर सूफिया मस्जिद डिजाइन जी। वो तो माशाल्लाह दिखने से ही लगती है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इस मस्जिद को। अभी अपन और अपने व्यूअर्स को आगे विजिट कराएंगे, दिखाएंगे मस्जिद की खूबसूरती के बारे में। और कुछ बताइए सुमेर भाई, आगे संगमरमर कहाँ का लगा है, सीमेंट वगैरह कहाँ से आई है इसकी? इसमें जो मार्बल लगा है वो इटालियन मार्बल लगा, और तो मार्बल भोपाल में मैसर ही नहीं था। अच्छा, और इटालियन मार्बल लगा है, और जितना भी इसमें आज जो है मटेरियल आया है वो मटेरियल इंग्लैंड से आया है। ओके, मस्जिद के अंदर जो पुराने गेट जो लगे हैं, अभी कुछ एक दो नए गेट भी हमने लगवाए हैं। जी जी जी, जो पुराने जो गेट लगे हैं और पुराने जो ग्रिल लगी है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कहीं भी वेल्डिंग नहीं है, उसमें पूरा रिपीट सिस्टम है। पूरा रिपीट सिस्टम है, क्योंकि ये वहीं से आया था। ओके, मतलब वेल्ड करा ही नहीं है उसको, पूरा वेल्डिंग ही नहीं है, पूरे इतने हैवी हैवी गेट है, इतने ग्रिल्स है उसकी, मगर इसमें कहीं वेल्डिंग नहीं है, ये सब रिपीट सिस्टम है जो नाव साहब ने वहाँ से इंग्लैंड से तैयार करवा के मंगवाई। ये वो ग्रिल्स हैं दोस्तों जिनके बारे में बात हो रही है, इसमें बिल्कुल भी वेल्डिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, पूरा रिपीट सिस्टम है। तो सुमेर भाई, ये कुछ कब्रों के बारे में बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, ये किन की कब्र है? ये भोपाल के आखिरी नवाब नवाब अहमदुल्ला खां की कब्र है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इनसे पढ़ा लिखा नवाब हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं गुजरा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े, वो फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अरे माशाल्लाह, और इसके बाद फिर जामिया मिलिया जो आज दिल्ली में मौजूद है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जी, उसके फाउंडर मेंबर थे। अच्छा, वो नवाब साहब खुद एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, बेहतरीन हॉकी खेलते थे, बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे, okay. पोलो प्लेयर थे, okay. और उमदा किस्म के पहलवान थे। okay. नवाब साहब हाफिज थे, आलिम थे, कारी थे, अरे और पायलट थे। अरे, खुद का एक प्लेन था, अच्छा, खुद उड़ाया करते खुद का प्लेन भी था, खुद का प्लेन था उनका, okay. खुद उड़ाया करते थे, और बेहतरीन किस्म के काबिल तरीन आदमी थे उस जमाने के अंदर, क्योंकि
उस जमाने के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन जो था वायसराय हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय जो था, लॉर्ड माउंटबेटन के क्लास में वो थे, उनके दोस्त थे नवाब साहब। वो भी एक कबर दिख रही है, चलिए वहाँ चलते हैं अपन। वो बताइए वो किसकी कबर है? ये जो है, ये कबर जो है ये सरकार सुल्तान जहाँ बेगम की है। ये सुल्तान जहाँ बेगम जो थी ये कौन थी? नवाब साहब की, नवाबुल्लाह साहब की वालदा थी। ये 1858 की पैदाइश है और 1930 में इनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, इंतकाल से पहले इन्होंने 1926 के अंदर भोपाल रियासत नवाबुल्लाह खान को सौंप दी थी। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने अपनी हयाती के अंदर नवाब साहब को दी थी। नवाब साहब को जज़ाकल्लाह। नवाब साहब की कब्र से लगी हुई कुछ कब्रें और भी हैं, ये तो आइए इसके बारे में भी हम अपने सुमेर भाई से जानते हैं। सुमेर भाई, ये किसकी कब्र है? ये कब्र जो है ये मौलवी जियाउद्दीन साहब की कब्र है। मौलवी जियाउद्दीन साहब जो थे उस जमाने के बड़े मशहूर सूफी थे। ओके। और गालिबन इनके इंतकाल को 200 साल हो गए। अच्छा। और काजी वजीदुल हसन साहब की एक किताब है हिंदुस्तान इस्लाम के साए में, जी उन्होंने इस किताब के अंदर जिक्र करा है इनका, और ये बताया है कि जिस जमाने के अंदर पूरा यहाँ बियाबान था, कुछ आबादी नहीं थी, उस जमाने के अंदर यहाँ सिर्फ मौलवी जियाउद्दीन साहब और उनके कुछ मुरीदीन रहा करते थे। अच्छा। इसलिए इस जगह को जो है मौलवी जियाउद्दीन साहब की टेकरी कहा करते थे। ओके, ने सुपर जानकारी दी, शायद तो लोगों को ये जानकारी तो मालूम ही नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मौलवी जियाउद्दीन साहब जो थे इतने पाए के बुजुर्ग थे जी, एक बहुत मशहूर हिंदुस्तान के अंदर बुजुर्ग गुजर हैं शाह वलीउल्लाह। अच्छा। शाह वलीउल्लाह साहब के ये गद्दी नशीन थे। ओके, जिस मार्बल की सुमेर भाई बात कर रहे थे ये सब बाहर से आया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये मार्बल तो आप लोगों को अब देखने को ही नहीं मिलेगा। आपने बताया सुमेर भाई ये मार्बल इटालियन मार्बल है, इटालियन इटली से आया, क्योंकि ये सब ये तामीर 1930 का है। सुल्तान जहां बेगम का इंतकाल हुआ था, 1930 का ये मकबरा बना हुआ है, और उस जमाने के अंदर ये मकबरे पे आप देखिए ये ग्रेनाइट लगा है। जिस जमाने के अंदर यहाँ पे लोग ग्रेनाइट क्या होता है ये मालूम ही नहीं था लोगों को, तो उस जमाने का ग्रेनाइट लगा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, और एक जमाना ऐसा था कि लोगों को ग्रेनाइट मालूम ही नहीं था, जब का ग्रेनाइट लगा हुआ है। और सुमेर भाई ये क्या चीज है? ये उस जमाने में खूबसूरती के लिए ये मार्बल का एक लैंप था, सुधरवाने की कोशिश करी थी मगर हमारे नहीं सुधरवाया था, इसलिए खराब हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खराब हो जाए, इसमें नुकसान आ जाए। दोस्तों ये तो बहुत ही सुपर चीज दिखी है हमें, मार्बल का बना हुआ है। दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारी सूफी मस्जिद के गार्डन में, और यहाँ कुछ फुव्वारे वगैरह लगे हैं, तो इसकी भी जानकारी हमारे सुमेर भाई से ले लेते हैं। गार्डन अभी हमने डेवलप करा है, ये गार्डन तो पहले उजड़ चुका था। अच्छा। और किन्हीं वजूहात की वजह से इसको मेंटेन नहीं कर पाए थे, तो खासतौर से कुछ पानी की कमी थी जिस अच्छा। वजह से इसको उसको मेंटेन नहीं कर पाए थे, वो उजड़ गया था गार्डन। ये सरनों से फिर से नया गार्डन बनाया है, उस जमाने के अंदर यहाँ ये बड़ा खूबसूरत फाउंटेन था ये। हाँ दोस्तों देख सकते हैं ये फाउंटेन था, तो इसमें पानी का कहाँ से सोर्स था? फाउंटेन था ये, जो फाउंटेन था ये स्टेप वाला फाउंटेन था, इसके बाद और फाउंटेन है दो तीन। जी जी। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये आगे भी फाउंटेन है, आपको दिखा सकता हूँ मैं, तो देख सकते हैं उस जमाने के अंदर इसके अंदर बड़े तालाब से डायरेक्ट लाइन हुआ करती थी सूफी मस्जिद के लिए। अच्छा, स्पेशल लाइन आई थी पानी की, पंप हाउस था नाव साहब का, उससे अलग लाइन थी सूफिया मस्जिद की, इससे ये फाउंटेन चला करते थे। ओके, आइए अंदर का व्यू देख लेते हैं, अंदर का व्यू कैसा है हमारी सूफिया मस्जिद का? कुछ इस तरीके से अंदर से व्यू है सूफिया मस्जिद का, देख सकते हैं। और ये शैंडलर्स देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, सब बाहर के हैं, मेडिल इंग्लैंड और मेडिल जर्मन के, कुछ भी हमारे यहाँ का नहीं लगा हुआ। और एक खूबसूरती की बेमिसाल मिसाल है हमारी सूफिया मस्जिद। चलिए थोड़ा सा और आगे चल के जानते हैं इसके बारे में। सुमेर भाई कुछ शैंडलर्स के बारे में भी जानकारी दीजिए, ये कहाँ से आए थे और कब लगे थे? ये जब मस्जिद तामीर हुई थी 1930 के अंदर, ये सब इंग्लैंड से आए थे। अच्छा, ये शैंडलर सब इंग्लैंड के लगे होंगे, तो ये तभी के लगे। इसकी कुछ खसूसियत बताइए वजू खाने की। समझ में ये उसी दौर का बना हुआ वजू खाना, हालांकि नया वजू खाना यहाँ भी मौजूद। अच्छा, नया भी बना हुआ है, तो कहीं कम पड़ता था। ओके, ये पुराना वजू खाना है और उसी दौर का बना हुआ है। ओके, ये नया वाला वजू खाना है। मस्जिद के साथ हौज भी है। ओके, और ये जो है ये गुम्बद है, ये छोटी गुम्बद है। अच्छा, एक बड़ी गुम्बद है अभी आपको दिखाएंगे। जी जी, ये वजू खाने की गुम्बद है, एक हुजरा है, हुजरा हुजरा। ओके,
तो दोस्तों ये देखिए सब सीमेंट वगैरह उसी ज़माने की लगी हुई है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बना है। हमारे सुमेर भाई हमें हुजरे में ले जा रहा है, हुजरा मतलब एक कमरा है काफ़ी बड़ा, आइए उसको भी देखते हैं। तो ये हुजरा है दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी आप लोगों से, बड़ा हुजरा है, बड़ी गुम्बद है और एक छोटी, तो मैंने आपको वजू खाने के दर दिखाई दी। और ये खसूसी तौर पर इसलिए बनाया गया था उस ज़माने के अंदर जी, यहाँ औरतों की नमाज के लिए एक रास्ता था यहाँ से जिसमें औरतें अलग अलहदा से आया करती थी। ओके, ये रास्ता भी बंद कर दिया गया, बंद कर दिया रास्ता, मतलब औरतों का खास ध्यान रखा जाता था पर्दे का उस जमाने, खसूसी तौर पर औरतों के लिए बनाया गया। और इधर देख सकते हैं ये हमारी सूफिया मस्जिद का सबसे ऊंचा मीनारा है। इस मीनारे के बारे में हमारे सुमेर भाई का कहना है कि इसकी हाइट 110 से 115 फीट की है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। सूफिया मस्जिद दोस्तों अहमदाबाद पैलेस एरिया कोहफजा भोपाल पर स्थित है। सुमेर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और सूफिया मस्जिद की हिस्ट्री शेयर करी हम लोगों से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी ये गुजारिश और इल्तिजा है कि इसकी तारीख को और आगे तक पहुँचाइए और ख़ासतौर से हमारे नौजवान नस्ल को भी बताइए हमारे भोपाल का आखिरी नवाब कितना हुनरमंद, कितना काबिल तरीन शख्स था जी, इसके बारे में बताइए। लोगों ने बड़ी गलत फहमियाँ कुछ लोगों ने फैला रखी उनके बारे में और वो दूर हो गलत फहमी। इंशाल्लाह हमारे वीडियो के थ्रू जरूर पहुंचेंगे सुमेर भाई, जज़ाकअल्लाह शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो के थ्रू हमारी जो सूफिया मस्जिद है इसकी हिस्ट्री आप लोगों तक पहुँचेगी। इस वीडियो को काफ़ी खूब शेयर करिए ताकि हमारी ये मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ मिलकर चलें और अपनों के साथ जुड़ कर रहें। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार एंड सत श्री अकाल।